हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित। तो आज की इस न्यू वीडियो में गाइस बताने वाला हूँ कि आप स्मार्ट कनेक्ट में एक बढ़िया अपडेट आ चुका है वो क्या है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, स्मार्ट कनेक्ट पहले तो आपको अपडेट कर लेना है, प्ले स्टोर में जाने का है और यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन है वो अपडेट कर लेना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैं स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन है वो अपडेट कर लेता हूँ। गाइस मैंने ऑलरेडी अपडेट करके रखा है, आपने अगर अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लेना है। गाइस गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपने स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन है उसमें आ जाना है। यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन वो ओपन कर लेना है। तो जैसे ही ओपन कर दो तो सिंपली आपको एक दो ऑप्शन देखने को मिलेगा नया, वो क्या है गाइस। देखिए आपको सिंपली यहाँ पर सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, देखिए आपको सर्विस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नीचे। इस पर जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। कारण पहले आपको सिंपली सिम एक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन अभी देखिए टैक ऑफ RV EKYC RV दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है गाइस। तो उसमें क्या है, उससे क्या होगा, टैक ऑफ RV और EKYC RV में क्या होगा वो सब मैं दिखाने वाला हूँ गाइस। मतलब गाइस यहाँ पे वो दो ऑप्शन किस लिए दिए हैं, क्या क्या सर्विस इसमें आएगी वो सब दिखाने वाला हूँ गाइस। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आप इसमें क्या ऑप्शन देने वाले हैं। तो देखिए गाइस आपको सिंपली करना क्या है, देखिए गाइस यहाँ पे टैक ऑफ RV पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन देखने को मिल गया है, एंटर नंबर टू रिकवरी। और यहाँ पे EKYC RV पे क्लिक करें तो इधर भी आपको एंटर नंबर टू रिकवरी, मतलब आपके जो कस्टमर है किसी को भी यहाँ पे सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वोडाफोन आइडिया सिम कार्ड यूज़ करते हो तो उस नंबर का आपको रिकवरी करना होता है, रिकवरी वेरीफाई करना होता है। मतलब वो सिम कार्ड जो है वो बंद हो जाने का चाहता है, बंद हो जाना है। मतलब कोई सिम कार्ड बहुत टाइम से यूज़ करता है तो उसको आपको रिकवरी करना होता है। इसके मोबाइल में एक मैसेज आता है कि आपका सिम रिकवरी कराइए, तो कस्टमर आपके पास आता है और बोलता है कि मेरे को सिम का रिकवरी करना है, तो आप इधर से रिकवरी कर सकते हो और सिम कार्ड चालू रख सकते हो। नहीं तो यहाँ पे जो कस्टमर है वो रिकवरी नहीं कराएगा तो यहाँ पे उसका सिम बंद हो सकता है गाइस। हाँ गाइस इसका सिम बंद हो सकता है, तो आपको यहाँ पे कोई आके बोले कि मेरा सिम का रिकवरी करना है, रीवेरीफाई करना है, उसका सिम भले इसका सिम ऑलरेडी चालू है मतलब सिम यूज़ करता है, तभी उसको उसके पास मैसेज आता है कि आपको सिम कार्ड वेरीफाई करना है, रिकवरी करना है, तो आप इधर से आप रिकवरी कर सकते हो, तभी उसका आपको सिम कार्ड है वो यहाँ पे चालू रहेगा, नहीं तो वो सिम कार्ड बंद भी हो सकता है गाइस। हाँ गाइस उसका सिम कार्ड परमानेंटली बंद भी हो सकता है गाइस। तो उसके लिए आपको ये दो सर्विस दे दी गई है कि इसमें से आप टैक ऑफ RV EKYC RV दोनों से आप रिकवरी कर सकते हो, रिवेरिफिकेशन कर सकते हो गाइस। तो गाइस इसके लिए वो दो ऑप्शन नए दे दिए स्मार्ट कनेक्ट ऐप में। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि स्मार्ट कनेक्ट ऐप में क्यों ये दो ऑप्शन ऐड किए हैं गाइस। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे पता चल गया कि आप रिवेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो नंबर। तो गाइस यहाँ पे आपको वीडियो भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो चलो फिर मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय।